अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है बाजी? ये तो घर आ जाएं। ये क्या हो गया है? वही अभी तो शादी हुई थी। अभी तो शादी हुई थी बाजी की, हुआ क्या है बताएंगी तो सब सब करंट लग गया था। करंट लग गया मियाँ को? कितना कितना अर्सा हो गया? छह महीने। अभी तो बाजी की अभी तो उम्र ही क्या है बाजी की, अभी छठा महीना है। कैसे लगा, कैसे है करंट? मट्टी उतार रहे थे ट्राली से मट्टी उतार रहे थे। अच्छा, सही, ट्राली से मट्टी उतार रहे थे। अब आपके साथ अच्छे थे? हाँ जी। आप कमजोर भी लग रही हैं, क्या हुआ है? सीप जैसे ऐसे हो ना, ऐसे इंसान होता। अल्लाह ताला सबर दे बाजी, अब जी वाकई में बहुत परेशान है, देखिए हालात ऐसे। तो फिर सास ससुर है? ससुर? मेरे ससुर नहीं है। ससुर भी नहीं है? और सास? उसने दूसरी शादी की हुई है। सास ने दूसरी शादी की हुई थी, ससुर भी नहीं है बाजी के? तो बाजी क्या मुझसे भी, मेरे ख्याल में ये कितनी उम्र होगी बाजी आपकी? उम्र को मुझे उम्र का भी नहीं पता है इसे। तो अब ये देखिए कि इतनी सी उम्र में ही मियाँ कमाने के लिए गए थे और फोत हो गए, 6 महीने पहले ये हादसा हुआ है। तो इनके घर के हालात देखकर आप दंग रह जाएंगे, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही है। बाजी आप कहेंगे बस ठीक है, आप कहेंगे बाजी आए मैं आपको दिखाती हूँ क्या मेरा घर है। दिखाती हूँ, ये आपका घर है जी बाजी? आलू? आलू जी। किसके लिए? अपने बच्चों के। अच्छा, बच्चे भी हैं जी? अच्छा, बाजी के बच्चे भी हैं, बच्चों से भी फिर आपको मिलवाते हैं। यस, यहाँ पे नहीं है आपके इलाके में? हम भी कौन कौन से इलाके में पहुँच जाते हैं अभी जी। अभी जी इन्होंने हमें बुलवाया था, आपको हमारे बारे में कितने बात जी? आपको क्या हो गया? मैं तो खुद अपने बेटों की, यानी कि आप मोहताज, इसका मतलब है कि मैं तो खुद अपने बेटे मुझे करके खिलाएंगे ना इस उम्र में। तो फिर ये इनकी माँ है, फिर आप इनके घर आके रह रही हैं? लेकिन माई हो ना अभी घर, मेरी कोठी बड़ी हुई है, कल ही थी कमरा है, बच्चे अकेले है ना इनके पास। हाँ? आ जाती हूँ फिर चली जाती हूँ, फिर आ जाती हूँ फिर चली जाती हूँ, फिर क्या करें? तो आप फिर इन्हीं के पास रह जाए ना अम्मा जी। अम्मा देखना रामन की तथा कॉल है कि दे बनी ये, चलो भाई कह माया आ भी कमी कह मिले, ये भी भाई मेरे को खड़े रह गए। चलो भाई यो आते बाक ते पास थींदा वेंदे, बस शुक्र है अल्लाह दा। तो को अल्लाह ताला ने भेजे हैं तो सही था आए ले सही ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗਾ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਸੀਲਾ ਜੋ ਵੀ ਤਾਵਨ ਕਰੇ ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੋ ਸਭ ਦੀ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਦੇ ਤਾ ਭੇਜ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨ ਅੱਲਾ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਜੇ ਸੁਣੀ ਗੁਣਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਆਪਕਾ ਬਾਜੀ ਜੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਇਧਰ ਆਓ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਇਹ ਨਾ ਅਗਲਾ ਬੁਖਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਇਤਨਾ ਰੋਵੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੌਣ ਲਿਆ पहले से ही अबू लेके आए थे, शादी थी हमारे रिश्तेदारों में, इनके अबू लेकर आए थे जी। देखिए अबू जी मेहनत कर करके लेकिन कपड़े कितने अच्छे पहनाते थे बच्चों को। अस्सलाम वालेकुम, इधर तो कितनी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। रोवे आके अबू तू कितना होते, मैं तो कितना बोला अबू तू कितना आते, अबू किधर चले गए इन्हें कर रखी है। अच्छा बेचारे अबू जी अभी छोटे छोटे, ये कितने अरसे की है? ये तीसरे साल में अभी आ रही है बाजी। आलू बाजी के अभी हालात इतने खराब हो चुके हैं कि उनकी आवाज बड़ी मुश्किल से निकलती है, क्या करें? अभी 6 महीने हुए हैं, मियाँ फोत हो गया और कोई सहारा भी नहीं है, ससुर भी नहीं है, सास भी नहीं है, अनावर बाप आतिया वालिद भी नहीं है, मेरे घर वाला भी ना किया। हाँ जी वालिद भी नहीं है, बिल्कुल अकेली हो गई है दुनिया में, इसलिए तो इतनी ज्यादा परेशान है, बोल भी नहीं पा रही है। अच्छा तो जहाँ बैठी रहती है आपके लिए क्या कर सकते हैं? अल्लाह ताला की तरफ से वसीला हो तो आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैं बस यही चाहती हूँ मेरे बच्चे पढ़ लिख जाए और अच्छे हो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा माशाल्लाह पढ़ रही है? बहुत अच्छा है, बहुत स्कूल में जा रहे हैं।
इसकी दादी कहती है हमारे पास रहो और तेरी साइकिल ना रहो चलो मेरे को दादी के लिए यहां पे दूसरी शादी के लिए वहां पे वहां पे क्या कर सकती हूं हां बेटा तुम चलो कोई की हाल ये तो अरे कल ही था नारा ने कही था मेरे को जा रहा अच्छा दादी कह रही है कि मेरे पास आ जाओ तो ये है कि स्कूल पास है बच्चों को पढ़ाना चाहती हो आप अच्छे हो बस माशाल्लाह कह रही हूँ मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे पढ़ लिख जाए माँ की एक ही खाई जाए कि मेरे बच्चे पढ़ जाए आइए ससम भेलवानी तो आप ये घर छोड़ के यानी कि चली जाएंगी हाँ मैं चली जाऊंगी मैं अपने बच्चों के लिए कहीं भी जाके रह सकती उनको पढ़ाना चाहती है इस घर में पानी का भी मसला था लेकिन बाजी ने ना यहाँ पे रहना ही नहीं है बाजी कह रही जहाँ पे मेरी सास का घर है ना मैं वहाँ चली जाऊंगी और मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी अबू जी फिलहाल जो यहाँ पे हालात है बाजी के घर में पानी भी नहीं है और हमने कहा बाजी आपको हम मुर्गियों का यहाँ पे काम भी करा देते हैं लेकिन बाजी ये चाहती हैं कि जहाँ पे मेरी सास है ना क्योंकि अभी वो सोच रही थी 6 महीने ही हुए हैं ना इनके मियाँ को फोत हुए तो मैं उनके पास जाना चाहती हूँ मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी मैं इस घर में नहीं रहूंगी ये क्योंकि हम इतना खर्चा करते तकरीबन 45,000 हम नलके पे लगा देते आगे कारोबार पे लगा देते लाख रुपया लेकिन बाजी ने ये सच बोला कहती है मैं अपना ईमान क्यों जाया करूं ये मेरी बेटी शायद यहाँ पे ना रहे ये चली जाएगी अपने अपनी सास के पास तो फिलहाल फिर इसलिए हमने ये सोचा है कि इनकी सपोर्ट करके तो फिर जब नेक्स्ट टाइम देखेंगे कुछ अर्से बाद बाजी क्या कहती हैं तो फिर इनकी जहाँ पे सास होंगी माशाल्लाह फिर वहाँ पे जाके देखेंगे इंशाल्लाह इनके पास दोबारा आएंगे ज़रूर फिलहाल हम लोग बाजी की सपोर्ट करते हैं बाजी ये खुदा ताला की तरफ से अल्लाह ने हमें भेजा है ठीक है ना इन बच्चों के लिए भी ताकि ये है कि आप इनका स्टार्ट कराएं स्कूल उसके लिए मैं आपकी सपोर्ट करती हूँ इनकी वर्दियाँ लें इनके जूतियाँ लें अपनी सास के पास जाएं जो आप करना चाहती हैं करें आगे भी फिर हम आपके पास आएंगे तो ये खुदा ताला की तरफ से है कबूल फरमा लें 5,000 और ये 5-10,000 और ये 5-15,000 ठीक है बाजी ये सुन्नत रसूल है तोहफा कोई भीख नहीं है कोई ऐसी चीज नहीं है ये सुन्नत रसूल तोहफा है को पहले तो कितना ही करते तो बाजी आपके पहले कभी किसी ने ऐसा सपोर्ट किया है बस बहन भाई जो करते हैं आप अच्छा अच्छा हाँ गोल कप्पे बेच की दसी छोले हाँ, भाई भी तो फिर तो बाजी इन पैसों का क्या करेंगी अपने बच्चों पे ही लगाऊंगी बच्चों पे लगाएंगी बच्चों पे क्या लगाएंगी क्या करेंगी बच्चों का बच्चों को पढ़ाऊंगी आपको सबर दे क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती आपके लिए तो ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से वसीला हुआ है आप इनके लिए जूतियां भी लें कपड़े भी लें और क्या लेंगी बस खाने पीने कम है बस यही सोचती हूँ बच्चों को खिलाऊं अच्छा और पढ़ाऊं आपके मियाँ आपके मियाँ ये कपड़े आपके मियाँ लेकर आए थे इनके लिए आप खुद ये किसी ने दिए दोनों अच्छा हाँ ये किसी ने दिए चलो अल्लाह ताला इन्हें सबर दे अब जी हालात ही ऐसे हैं अभी 6 महीने हुए हैं बाजी की तबीयत वाकई में बहुत खराब है और बीमार भी हैं शायद परेशानी की वजह से छोटे छोटे तो बच्चे थे इनके रात नींद ना आई उठ के बैठे रहा तेरे कमाई नहीं अच्छा चले कुछ नहीं होता अल्लाह ताला वसीला बनाएगा अल्लाह की जात देने वाली ले ले इनसे ये ना हो कि ये आज की ये वीडियो हम लोग डेडिकेट करेंगे मोहम्मद सदीक सदीक को अल्लाह ताला उनका दिया हुआ कबूल फरमा ले आमीन सुमा आमीन और उन सबका बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ खड़े हुए हैं हमारा साथ दे रहे हैं व्यूअर्स अब मैं आपको बताती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका ये ऊपर हमारी वीडियो चल रही है नीचे टूर एंड टेस्ट लिखा हुआ है तो टूर एंड टेस्ट के बिल्कुल सामने ही ये सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ है इसे क्लिक करेंगे जैसे ही क्लिक किया ये ब्लैक हो चुका है मतलब ये सब्सक्राइब हो चुका है और लाइफ में एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है और इसके बाद ये बेल का आइकन आ गया है घंटी का आइकन इसको क्लिक करेंगे और ऑल लिखा हुआ है इसको भी क्लिक कर देंगे अब नोटिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है अब जैसे ही हमारी नई वीडियो आया करेगी आपको बर वक्त मिल जाया करेगी।